हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल न्यू सोनी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर जो आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और मैं आपका दोस्त दीपक। तो दोस्तों, मैं कुछ हमेशा ब्यूटी टिप्स लाता रहता हूँ। तो आज का टॉपिक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊँगा कि आप अपना फेशियल नेचुरल तरीके से कैसे बना सकते हैं फेस पैक। और जिनके चेहरे स्किन बर्न हो जाते हैं, धूप से जल जाते हैं और चेहरे पे कील मुहासे और काफ़ी डार्क हो जाता है, ऑयली हो जाता है, तो आज मैं बताऊंगा आप हर्बल तरीके से कैसे उसको इंस्टेंट अपना चेहरा गोरा कर सकते हैं। तो पहले हमें गुड़हल के ये फूल हैं, इसके 2 या 3 फूल ले लीजिए और नीचे के जो ग्रीन डंठल है उसको आप रिमूव कर दीजिए। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको डाल दीजिए। एक मेरे पास प्लास्टिक का वो है, उसमें डाल दिया और ये डाल दिया, इसको भी मैं निकाल लेता हूँ। अब फिर इसको दोनों मैश करके अच्छे से, इसको आप अगर आपके घर में मिक्सी हो या कुछ हो पेस्ट बना दीजिए ताकि ये अच्छे से मिल जाए। और थोड़ा हाँ, तो फ्रेंड मैंने इसको पेस्ट बना लिया है। उसके बाद हम इसमें गुलाब जल डालेंगे। अगर आपके पास पानी फ़िलहाल नहीं यूज करना है, इसमें गुलाब जल यूज करना है, तो हम इसमें गुलाब जल ऐड कर दे रहे हैं। और ये गुलाब जल आप लोगों को जैसे कि पता है स्किन के लिए काफ़ी वो है, और ये सन बर्न में काफ़ी रिलीफ देगा, जो आपका स्किन है काफ़ी सॉफ्ट और मुलायम हो जाएगा। तो इसमें हम गुलाब जल को अच्छी तरीके से डाल देंगे। और गुलाब जल डालने के बाद इसमें 2 स्पून हनी डाल देंगे। और ये हनी जो आपका चेहरा ऑयली है, चिपचिपापन है, और इसमें मॉइस्चर वो करता है, और ये आपके चेहरे पे काफ़ी बढ़िया लाइट और ग्लो देता है। और जो आपके बर्न स्किन्स रहते हैं ये उसको तो इसको हम इसको मिक्स कर देते हैं। और ये हनी आपके चेहरे पे जो डार्क डेड सेल हैं उसको नया बनाएगा। और इसके बाद अगर आपके पास टमाटर है और नींबू है तो आप डाल सकते हैं। फ़िलहाल मेरे पास एक प्रोटीन पाउडर है, मेरे पास प्रोटीन पाउडर जिसमें विटामिन सी पड़ा है, जो कि बहुत अच्छा होता है। इस पर जो कैंसर होता है चेहरे का, और ये लाइकोपिन आपके चेहरे पे बढ़िया ग्लो लाएगा। अगर लाइकोपिन नहीं है आप उसके जगह पे टमाटर यूज कर सकते हैं, और विटामिन सी के लिए आप नींबू भी उसमें 2-3। तो फिलहाल मेरे पास प्रोटीन पाउडर है और ये काफ़ी सफिशियंट है। इसमें सारे आपके जो है विटामिन सी, लाइकोपिन, जिंक सब कुछ मिल जाता है। और आपको जैसे कि पता होगा प्रोटीन पाउडर पीने से चेहरे पे बढ़िया ग्लो आता है और चेहरा शाइनी और हल्का दिखता है। तो इसमें 2 स्पून हम प्रोटीन पाउडर डाल देते हैं। और अच्छे से मिला लेंगे पेस्ट में। तो इसको हम मिला रहे हैं इधर। हाँ तो फ्रेंड, जैसे कि मेरा ये पेस्ट बन गया। और इसको पेस्ट बनाने के बाद आपको ढक के 3 घंटे के लिए रख देना है, ठीक है? तो फिलहाल 3 घंटे हो गए हैं इसको मैं रखे हुए मुझे, और ये काफ़ी बढ़िया इसका कलर आ गया है। और ये फिर इसको हम लगाते हैं। इसको लगाने के लिए आपको अपने हैंड पे, मैं यूज करके आप इसको मैं अपने हाथ पे यूज करके दिखाता हूँ कैसे लगाना है। तो पहले ये आप हाथ पे ले लेंगे, हाँ? तो फ्रेंड मैं बताता हूँ आपको इसको लगाना कैसे है। तो लगाने 4 घंटे हो गए हैं, करीब 3 घंटे तो मैंने रख दिया था। चलो तो इसको लगाने का मैं बताता हूँ। तो ये काफ़ी चिपचिपा हो गया। तो दोस्तों इसको हाथ पे आप अपने, मैं हाथ पे आपको डेमो के तौर पे बता दे रहा हूँ क्योंकि वो नहीं होता, ये काफ़ी वो हो गया। तो इसको अपने हाथ पे लगा लीजिए, वो काफ़ी ऑयली है। और ये आपको इसको सर्कुलर मोशन में 10 से 15 मिनट आप इसको राउंड शेप में गोल गोल घुमाएंगे, और हल्के हाथ से करना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हल्के हाथों से करना है और आराम से करिए, कम से कम 10 से 15। और ये तब तक करना है जब तक ये जो इसका ऑयलपन है सूख, जैसे जैसे आप 10 से 15 मिनट इसको करेंगे ये अपने आप जाएगा। और तो हाँ फ्रेंड, ये अप्रॉक्स 10 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ। तो ये तो
तो देखिए फ्रेंड, ये मेरा वो हाथ है जो दुखा था, और ये देखिए कितना ग्लो आ गया, कितना साफ हो गया। तो फिलहाल तो मैंने इसे बढ़िया से किया नहीं है, आप इसको रात में करिए और सुबह आपको बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलेगा।